जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी मंडला रेल मार्ग में चल रही जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन जल्द ही मंडला तक चलेगी। यानी कि जल्द ही मंडला से नैनपुर जबलपुर एक शाम की पैसेंजर ट्रेन शुरू होगी, जिसकी रेलवे की ओर से संपूर्ण समय सारणी जारी कर दी गई है। चलिए आप लोगों को बताते हैं नई समय सारणी किस प्रकार बनाई गई है, ट्रेन किस प्रकार चलेगी, किस स्टेशन पर कितने समय का हॉल्ट लेगी, ये संपूर्ण समय सारणी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी मंडला रेल मार्ग पर चलने वाली जबलपुर नैनपुर चिरे डोंगरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, ये ट्रेन वर्तमान में जबलपुर से चलकर नैनपुर होते हुए चिरे डोंगरी और वापस चिरे डोंगरी से चलकर नैनपुर होते हुए जबलपुर के मध्य चला करती है। लेकिन अब इस ट्रेन का विस्तार चरी डोंगरी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया है, जिसकी संपूर्ण समय सारणी भी जारी कर दी गई है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 14 जून 2022 को रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रपोजल लेटर में ट्रेन नंबर 0571110 5712 नैनपुर चरी डोंगरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का एक्सटेंशन मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन तक करने और ट्रेन नंबर 05706 नैनपुर जबलपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में आने वाले चेंजेस बताए गए थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें, यहां एक ही ट्रेन की बात हो रही है, सेक्शन वाइज ट्रेन के नाम और नंबर चेंज हो रहे हैं। दोस्तों प्रपोजल भेजने के बाद रेलवे बोर्ड के द्वारा 16 सितंबर 2022 को अप्रूवल दे दिया गया, जिसमें चिरेडोंगरी से मंडला के मध्य नई समय सारणी जारी करते हुए ऑफिशियल लेटर आ चुका है। चलिए आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार चिरेडोंगरी से मंडला और मंडला से नैनपुर जबलपुर के बीच ट्रेन चलेगी। देखिए वर्तमान में ट्रेन नंबर 05705 जबलपुर नैनपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन जबलपुर से सुबह 10:35 पर रवाना होकर जबलपुर से नैनपुर के मध्य 17 छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों में एक एक दो दो मिनट का हॉल्ट लेकर नैनपुर दोपहर 2:50 पर पहुंचती है और नैनपुर में 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद नैनपुर से दोपहर 3 चरे डोंगरी के लिए रवाना होती है, जहां नैनपुर से चरे डोंगरी के बीच 3 छोटे स्टेशनों में एक एक मिनट का हॉल्ट लेकर चरे डोंगरी 3:35 पर पहुंचती है। समय सारणी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, लेकिन अब नई समय सारणी के अनुसार ट्रेन नंबर 07711 नैनपुर चिरे डोंगरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन नैनपुर में 10 मिनट के हॉल्ट के बाद नैनपुर से 3 रवाना होगी और नैनपुर से चिरे डोंगरी के बीच अपने 3 छोटे स्टेशनों में हॉल्ट लेकर चिरे डोंगरी 3:28 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 3:30 पर मंडला फोर्ट के लिए रवाना होगी और चिरे डोंगरी से मंडला फोर्ट के बीच अपने 3 छोटे स्टेशनों में हॉल्ट लेकर मंडला फोर्ट 4:05 पर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 05712 चिरे डोंगरी नैनपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, जो कि मंडला तक एक्सटेंड हो चुकी है, ये ट्रेन अब मंडला फोर्ट से 4:25 पर रवाना होगी और मंडला से चिरे डोंगरी के बीच अपने 3 छोटे स्टेशनों में हॉल्ट लेकर चिरे डोंगरी 4:52 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 4:54 पर रवाना होगी और चिरे डोंगरी से नैनपुर के बीच अपने 3 छोटे स्टेशनों में हॉल्ट लेकर नैनपुर शाम 5:30 पर पहुंचेगी। दोस्तों इस प्रकार ट्रेन मंडला फोर्ट एक्सटेंड की जा रही है, जिससे अब मंडला से नैनपुर जबलपुर शाम की एक पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन नैनपुर शाम 5:30 पर पहुंचेगी। हालांकि ट्रेन नंबर 05706 नैनपुर जबलपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में चेंजेस आए हैं। ट्रेन पहले 5 नैनपुर से रवाना हुआ करती थी, मगर अब ट्रेन मंडला एक्सटेंड होने की वजह से 30 मिनट का फर्क देखने को मिल रहा है। ट्रेन अब नैनपुर से जबलपुर के लिए 5:30 पर रवाना होगी। वर्तमान में चल रही नैनपुर जबलपुर की समय सारणी आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, वर्तमान में ये ट्रेन 7 सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल कोच और 2 सेकंड कम लगेज रैक के साथ 9 कोचेस की पैसेंजर ट्रेन चल रही है। लेकिन इस ट्रेन में एक स्थायी कोच की सुविधा मिली हुई है, यानी कि ये ट्रेन 10 कोचेस के साथ वर्तमान में चल रही है।
है, इसीलिए मंडला नैनपुर जबलपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी 10 कोचेस की देखने को मिलेगी। दोस्तों, रेलवे बोर्ड से एक्सटेंशन को अप्रूवल मिलने पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन नागपुर डिवीजन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। SECR के द्वारा भी ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन ट्रेन का विस्तार एवं उद्घाटन की तिथि क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के परामर्श से ही आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा। फिलहाल तिथि तय होने का इंतजार है। दोस्तों, जैसे ही इस विषय पर कोई भी नई जानकारी आती है तो हम आप लोगों को अपने YouTube वीडियो के माध्यम से जरूरी सूचित करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।